इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि भाजपा की तरफ से सीएम की कुर्सी संभालने वाला कोई भी नेता बतौर सीएम दो बार से अधिक का कार्यकाल नहीं देख पा रहा है। 1977 में शांता कुमार सीएम बने और 1980 तक उनका पहला कार्यकाल रहा। उसके बाद 1990 से 1992 तक शांता कुमार दूसरी बार सीएम बने। शांता कुमार दोनों मर्तबा अपनी सरकारों को पूरे कार्यकाल तक नहीं चला सके। हालात ऐसे बन गए कि शांता कुमार तीसरी बार सीएम बनने की दौड़ से ही बाहर हो गए। इसके बाद 1998 में प्रेम कुमार धूमल को भाजपा ने सीएम की कमान सौंपी। धूमल 2003 तक पहली बार सीएम रहे। इसके बाद उन्होंने 2007 से 2012 तक दूसरी बार सीएम की कमान संभाली। 2017 के मौजूदा विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें सीएम चेहरा भी घोषित कर दिया, लेकिन धूमल का दुर्भाग्य रहा कि वह सुजानपुर सीट से चुनाव हार गए और चाहकर भी सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। अब उनके स्थान पर भाजपा ने जयराम ठाकुर को सीएम की कमान सौंपी है। जयराम ठाकुर एक बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एक बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि पांचवीं बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर अभी युवा हैं और इस लिहाज से उनके पास प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने की काफी ज्यादा क्षमता भी है, लेकिन अभी से ही अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है कि क्या जयराम ठाकुर लंबी पारी खेल पाएंगे। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि भाजपा में दो बार का शिष्टगमा हावी हो जा रहा है और जयराम ठाकुर को बेहतर कार्य करके इस परिपार्टी को तोड़ना होगा। सभी जयराम ठाकुर से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह बेहतर कार्यों के दम पर सत्ता पर लंबे समय में काबिज रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की माने तो भाजपा भी इस बार ये विश्वास दिला रही है कि वह सिर्फ 5 वर्षों के लिए नहीं बल्कि लंबे अरसे तक प्रदेश की सेवा करने के मकसद से सत्ता में आई है। ये तो सही है कि जो परिस्थितियों का जो घेराबंदी है, कहे कि दो से ज्यादा बार जो है बीजेपी का कोई सीएम नहीं बन पा रहा है। हालांकि इस बार भी उम्मीद थी कि धूमल जी जो है तीसरी बार अपने सीएम की पोस्ट को सिक्योर करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया है। और अब उम्मीद यही है कि जयराम जी जैसे उनका मतलब यूथ है, जिस तरह से वो इतनी छोटी उम्र में, शायद सबसे छोटी उम्र में ही वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उस तरह से उन्होंने एक उम्मीद जगाई है कि वो एक लंबी पारी खेलेंगे। जयराम जी युवा नेता हैं और हम चाहते हैं, सारे मंडीवासी यही चाहेंगे कि ये लंबी पारी खेलें और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें इस एरिए की, ताकि दो बार वाला जो स्टिग्मा है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रह रहा है वो खत्म हो जाए।